यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा लैपटॉप लें, ये लें या ये लें, ये लें या ये लें, तो मैं आपके सारे डाउट अभी एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, मैंने भी बहुत रिसर्च करी थी इस टॉपिक पे, बहुत ज़्यादा, कि मैं डेल खरीदूँ या एचपी खरीदूँ या एमएसआई खरीदूँ या एप्पल खरीदूँ। तो मैंने अपना 2020 के एंड में डेल एक्सपीएस खरीदा था और उस टाइम डेल एक्सपीएस की कॉस्ट थी 2,80,000 रुपये इंडियन मार्केट में, और मुझे लगा कि यार पैसा बचाने का कुछ तरीका ढूंढते, तो मैंने अपना लैपटॉप फिर मंगाया था यूएस से, ये वाला। यह है डेल एक्सपीएस 15 इंच i9 9th जनरेशन के साथ, जिसमें रैम है 32GB, 1TB SSD हार्ड डिस्क है और इसमें 4GB का ग्राफिक कार्ड है। आफ्टर परचेजिंग दिस आई फील चीटेड लिटिल बिट, मतलब जिस पर्पज से मैंने सोचा था, जितना मैंने इससे उम्मीद की थी, ये मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप लोग रिसर्च करते हैं, जैसे सेम वे मैंने रिसर्च की थी, तो बहुत सारे वीडियोज आपको इंटरनेट पर मिल जाते हैं कि ये लैपटॉप अच्छा है, ये लैपटॉप अच्छा है। तो फाइनली मुझे बाद में पता चला कि वो सारे लोग जितनी भी वीडियोज बनाते हैं, जो अच्छे अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज देते हैं, वो सारे स्पॉन्सर्ड वीडियो होती है। और कुछ इंडियन क्रिएटर्स हैं कि जो 8 से 10 लाख रुपए लेते हैं, नॉर्मल एवरेज क्रिएटर, जिसके मतलब 700 और 800 के सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, और वो जब रिव्यू करता है तो वो 7 लाख से 8 लाख और 10 लाख के बीच में रिव्यू करने का पैसा देता है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव चीजें बताते हैं, एक भी नेगेटिव फैक्ट आपको नहीं बताते, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ सारे के सारे इसके नेगेटिव फैक्ट। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन सा है जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए आपके लिए सबसे परफेक्ट रहेगा, यदि आप अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेल एक्सपीएस की, जो कि मैं पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम इसमें यह है कि जैसे ही आप वीडियो प्रीमियर प्रो में डालते हैं और उसको प्ले करने लग जाते हैं, तो बहुत ज्यादा जिटर करता है, बहुत ज्यादा लैग करता है। अब उसके लिए मैंने क्या क्या ट्राई किया, मुझे लगा कि हो सकता है इस लैपटॉप में इशू हो, तो मैंने विंडोज फॉर्मेट की, एंटीवायरस चलाया, सारे के सारे सॉफ्टवेयर रीइंस्टॉल किए मल्टीपल टाइम्स, लेकिन जब भी मैं ऐसा 4K वीडियो एडिट करता हूँ, 4K 30 FPS, वो मेरे GoPro की हो या मेरे सोनी की हो, A6300 की हो या फिर सोनी A7 III की हो जो करेंटली मेरे पास है, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा एकदम लैग करने लग जाती है। और उसके बाद जब हम वीडियो को रेंडर करते हैं, इसमें 4K में रेंडर करते हैं या HD में रेंडर करते हैं, तो इसका टेम्परेचर समथिंग अराउंड 87 डिग्री से 90 डिग्री तक पहुंच जाता है, और उसकी वजह से ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। ऐसा लगता है कि आप मतलब इस पर ना चपाती सेक सकते हो, आप इस पर आमलेट बना सकते हो। तो ये मुझे बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा। अब यदि सोचो कि आप 1,60,000 रुपये खर्च किए यूएस से इसको मंगाया, और उसके बावजूद भी एक लैपटॉप आपका हैंग कर रहा है, तो आपका पूरा का पूरा पैसा वेस्ट हो गया, वो मुझे ऐसा फील होता है। तो अब मेरे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं है कि मैं कोई दूसरा लैपटॉप खरीद लूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें इतना इन्वेस्ट कर चुका हूँ। सोचा कि भाई मेरे साथ तो चीट हो गया, मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो यही सोचते रहते हैं कि कौन सा लैपटॉप खरीदें, कौन सा लैपटॉप खरीदें। देखो, मैं एक बात आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ, चाहे कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर है, कि कोई कितना ही बड़ा लैपटॉप रिव्यू करता है या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू करता है, वो सारे के सारे स्पॉन्सर्ड वीडियो होते हैं, जिसकी वजह से उनकी दुकान चलती है, इसलिए वो फेक आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है। विंडोज़ के जितने भी लैपटॉप आते हैं, चाहे वो MSI का हो, चाहे वो HP का हो, चाहे वो डेल का हो, चाहे वो लेनेवो का हो, विंडोज़ का कोई भी लैपटॉप कैपेबल नहीं है वीडियो एडिटिंग के लिए। और कैपेबल की जब मैं बात करूं, तो बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं यार, हम तो विंडोज़ में ही एडिट करते हैं, हम तो विंडोज़ के लैपटॉप से ही एडिट करते हैं। आप एडिट कर सकते हैं, एडिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन वो जो लैग करता है ना, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जब 1 लाख या आप 1 लाख से ज़्यादा रुपया खर्च कर रहे हैं और एडिटिंग में आपका लैपटॉप लैग कर रहा है, बहुत देर में चल रहा है, जिटर कर रहा है, आपने 2-3 क्लिप एक के ऊपर एक लगा दी, 1-2 इफेक्ट्स लगाए, 1-2 ट्रांजिशन लगाए, और उसके बाद जब वो लैपटॉप मरने लग जाता है ना, तब फिर मज़ा नहीं आता। अब खुद सोचो, आप कह सकते हो कि हाँ यार मैं एडिट कर रहा हूँ, एडिट तो मैं भी कर रहा हूँ, मेरा होता है एडिट, ऐसा नहीं कि मेरा एडिट नहीं होता। जब मैं रेंडर की बात करूँ, तो इसमें 10 मिनट की 4K वीडियो 15 से 20 मिनट में रेंडर हो जाती है, वो कोई इशू नहीं है। इशू कब आता है, जहाँ मुझे 1 घंटा लगना चाहिए एडिटिंग में, वहाँ मुझे 4 घंटे लगते हैं, जहाँ मुझे 2 घंटे लगने चाहिए, वहाँ मुझे 6 या 8 घंटे लगते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब यदि मैं फोटोशॉप की बात करूँ या लाइट रूम की, तो ये लाइट रूम में भी एक्सपोर्ट करने में, जो मतलब मैं सोनी से इमेज कैप्चर करता हूँ, सोनी A7 III से, और उसमें यदि आप रॉ में क्लिक करते हैं अनकंप्रेस्ड, तो जब उनको प्रोसेस करता है ना, तब भी मर जाता है, चाहे वो फोटोशॉप हो चाहे वो लाइट रूम हो। तो मैंने बहुत सारे लैपटॉप अलग अलग देखे, किसी फ्रेंड के पास है, उससे ट्राई किया, तो सारे के सारे ही लैग करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि आप एकदम स्मूथ चलाना चाहते हैं, मतलब स्मूथ काम करना चाहते हैं, कि चाहे आप कितने ही इफेक्ट डालें, कितना ही वीडियो में कुछ करें, आपका लैपटॉप लैग ना हो, हीट ना हो, जैसे ही बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ऐसा लगेगा कि बस ये फटने वाला है थोड़ी देर में। क्योंकि देखो, मैं बताता हूँ, इसमें ये इतना पतला सा तो है,
देखो इसकी मतलब हल्का है, वेट की यदि मैं बात करूँ हल्का है, ये और काम के लिए अच्छा है, जैसे आपको एम एस वर्ड में कोई काम करना है, एक्सेल में कोई काम करना है, पावर पॉइंट में कोई काम करना है, या आप ऑफिशियल वर्क के लिए लाइट वेट एक लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो इट इज़ गुड, बट इसका अमाउंट उसके हिसाब से फिर बहुत ज़्यादा है। वो काम तो आप 40 से 50 हज़ार के किसी लैपटॉप में भी कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि लैपटॉप है कौन सा अच्छा, आप कौन सा लैपटॉप लें, ये भी एक पॉइंट है। तो जिस टाइम मैंने खरीदा था उस टाइम एप्पल के जितने भी लैपटॉप थे वो हाई रेंज में थे, कोई 2 लाख का था, कोई 2.5 लाख का था, उस टाइम मेरा बजट नहीं था। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ईयर एप्पल ने निकाले थे M1 चिप के साथ 13 इंच 14 इंच एंड 16 इंच। तो आप ये सोच लो कि ग्राफिक के जितने भी काम के लिए जो लैपटॉप बना वो सिर्फ वन एंड ओनली वो है एप्पल। अभी थोड़े टाइम पहले मेरी फ्रेंड ने बाय किया था एप्पल का मैकबुक प्रो 13 इंच, और उस 13 इंच में 4K वीडियो क्या स्मूथली प्ले होती है, एडिट होती है, और मस्त एकदम ना मजा आ जाता है। तो मैंने उसका जब लैपटॉप ट्राई किया तो मुझे बहुत मतलब अंदर से बहुत बेकार फीलिंग आई, क्योंकि यार उसने लिया था 1,10,000 का। मैं बताता हूँ कैसे लिया, उसकी इंडिया में एक्चुअल कॉस्ट है जो वेबसाइट पे है 1,30,000, 10% का उसे डिस्काउंट मिल गया HDFC के कार्ड से, जो कि हमेशा उस पर चलता रहता है एप्पल के प्रोडक्ट्स में। उसके बाद उसने कहीं से GST नंबर का जुगाड़ कर लिया था तो उसे वो GST का डिस्काउंट मिल गया। इट इज़ नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट यस एप्पल के प्रोडक्ट वाकई बहुत अच्छे होते हैं ग्राफिक के वर्क के लिए। और आप कोई भी यूट्यूबर देख लीजिए जो अच्छा सक्सेसफुल यूट्यूबर है और जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, और वर्क वो ज़्यादा करता, तो उसके पास आपको एप्पल ही मिलेगा, चाहे उसने पहले कोई दूसरा खरीदा हो। इवन अंकित भाटिया जैसे बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, आप उनका भी देखोगे ना, उन्होंने पहले सेम लैपटॉप था उस पर एडिट किया, लेकिन वो वापस घूम के आ गए वहीं पर। और अंकित भाटिया की जब वीडियो की बात करूँ तो उन्होंने पहले बताया था अंकित भाटिया ने कि ये लैपटॉप बहुत अच्छा है MSI का, ये दूसरा अच्छा है, उन्होंने कई सारे लैपटॉप रिव्यू करे, तो लास्ट में एप्पल का ही बताया कि एप्पल का 4K वीडियो को सबसे अच्छे एडिट करता है। अब उन्होंने पहले वीडियो में बता तो दिया कि भाई MSI का ले लो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पॉन्सर्ड वीडियो थी, लेकिन बाद में फाइनली जब उन्होंने खुद अपने लिए एप्पल खरीदा तो दिखाया कि भाई एप्पल इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग, क्योंकि उसमें उन्होंने 4K वीडियो चला के दिखाई, एकदम स्मूथ चल रही है, एक के ऊपर एक लेयर रख के दिखाया तो वो मस्त चल रही है। तो मतलब आपको यदि खरीदना है ना, तो जैसे आप 1.5-2 लाख का कोई खरीद रहे हो या 1 लाख की रेंज में कोई लैपटॉप खरीद रहे हो वीडियो एडिटिंग के लिए, तो गो फॉर एप्पल ओनली। 13 इंच का ले आओ, वो बेस्ट चलता है एकदम, 4K वीडियो एकदम मक्खन की तरह उसमें एडिट होती है, और भी ग्राफिक्स के सारे काम बहुत अच्छे से होते हैं। तो विंडोज़ का कभी मत लो, और हाँ यदि आपका बजट लो है और आप थोड़ा सा क्वालिटी में इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, आपको लगता है कि चलो सही है लैग करेगा चल जाएगा, तो फिर आप इससे और थोड़ा लो खरीद लो, मतलब 60,000 का 70,000 के रेंज में कोई विंडोज़ का कोई लैपटॉप खरीद लो, लेकिन थोड़ा ना बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा हैवी हो, हैवी जो होता है बड़ा वाला, तो उसमें एयर वेंटिलेशन थोड़े अच्छे से हो जाती है जो इसका CPU को, तो वो हीट कम होता है, थोड़ा सा मोटा होगा ना, ये ज़्यादा पतला है। यदि मैं इसकी बात करूँ ये डेल का, ये बहुत ज़्यादा पतला है, और मैंने ये बहुत रिसर्च के बाद, बहुत देखने के बाद लिया था, काफ़ी टाइम इसको यूट्यूब पे देखा, लोगों की वीडियोस देखे, रिव्यू पढ़े, बट इट इज़ नॉट फॉर द क्रिएटर्स, यस इट इज़ नॉट फॉर द क्रिएटर्स। तो आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है, कौन सा लैपटॉप नहीं लेना, और एप्पल के लिए जाएंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, और एप्पल के लिए नहीं जाएंगे तो फिर उससे अच्छा आप एक डेस्कटॉप ले सकते हैं। यदि आप डेस्कटॉप लोगे ना तो डेस्कटॉप इज मच बेटर देन लैपटॉप, लेकिन उसमें लिमिटेशन ये होती है कि आपको वो एक जगह बैठ के काम करना पड़ता है। एक दूसरा सजेशन ये होता है कि आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं और आपको वहाँ पे भी लैपटॉप चाहिए, तो आप कोई 25 से 30 हज़ार का पुराना लैपटॉप ले लें वहाँ साथ ले जाने के लिए, और एक 40 से 50 हज़ार रुपये का डेस्कटॉप अपने घर पर रेडी कर लें, तो आपका 80 हज़ार रुपये के आसपास ये बहुत ऑप्शन हो सकता है, मतलब जस्ट ए सजेशन। लेकिन यदि आपको लैपटॉप ही चाहिए तो गो फॉर मैकबुक प्रो ओनली, नथिंग एल्स। यदि आपने ले लिया तो फिर आप रिग्रेट करोगे मेरी तरह। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय बाय।